एनवी न्यूज पर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि आज आप पार्टी में शामिल होंगे पूर्व सांसद अशोक तंवर। आपको बता दें कि नवंबर में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी और अब एक बड़ा झटका लगा है तृणमूल कांग्रेस को। आपको बता दें कि अशोक तंवर राहुल गांधी के काफी खास भी माने जाते रहे हैं। 2009 में सिरसा सीट से सांसद रह चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस को आज बड़ा झटका जरूर लगा है। पार्टी हरियाणा में कांग्रेस के पूर्व नेता अशोक तंवर के सहारे अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये झटका आज जरूर लगा है। तो हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और तृणमूल कांग्रेस के नेता अशोक तंवर आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। अशोक तंवर अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो दिल्ली में मुख्यमंत्री के निवास पर आम आदमी पार्टी की सदस्यता अशोक तंवर को आज दिलाई जाएगी। इस दौरान समर्थक भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी 2 दिवसीय गुजरात दौरे से दिल्ली लौटे हैं और ऐसे में हरियाणा में डॉक्टर अशोक तंवर के हाथों में आम आदमी पार्टी की कमान दी जाएगी। डॉक्टर अशोक तंवर को निकट भविष्य में हरियाणा की पूरी जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन ये बड़ा झटका तृणमूल कांग्रेस को आज जरूर लगा है। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं अशोक तंवर। दरअसल नवंबर में उन्होंने कांग्रेस छोड़ा था, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन की थी, लेकिन आज ये खबर सामने आई है कि वो आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में वो पार्टी का दामन थामेंगे। बता दें कि 2009 में हरियाणा के सिरसा सीट से भी सांसद रह चुके हैं। तो ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा है, जहां हरियाणा में कांग्रेस के पूर्व नेता अशोक तंवर के सहारे तृणमूल कांग्रेस अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान पर वो पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे और पार्टी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दे सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे पूर्व सांसद अशोक तंवर। 2009 में हरियाणा के सिरसा सीट से भी सांसद रह चुके हैं। आपको बता दें कि अशोक तंवर ने 23 नवंबर 2021 में टीएमसी ज्वाइन की थी और तब वो कांग्रेस में जब थे तो उनकी गिनती पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के करीबियों में भी होती थी। अशोक तंवर को राहुल गांधी ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया। हालांकि टिकट बंटवारे को लेकर अशोक तंवर ने पार्टी पर बड़े आरोप भी लगाए थे। दूसरी ओर आपको बता दें कि गोवा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने अशोक तंवर को जिम्मेदारी दी थी, हालांकि पार्टी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस को ये बड़ा झटका जरूर लगा है क्योंकि आज पूर्व सांसद अशोक तंवर जो की आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, नवंबर में उन्होंने जहां कांग्रेस छोड़ी थी राहुल गांधी के काफी खास भी माने जाते रहे हैं और 2009 में सिरसा सीट से सांसद भी रह चुके हैं। अशोक तंवर की अगर हम बात करें तो 2014 और वर्ष 2019 में उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा था और इस दौरान तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर अपने समर्थकों के टिकट कटने से भी खासे नाराज थे। इसके बाद उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष पद के साथ ही पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था। तो टीएमसी को ये जरूर झटका लगा है क्योंकि आम आदमी पार्टी अब ज्वाइन जब करने जा रहे हैं पूर्व सांसद अशोक तंवर। खबर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर आम आदमी पार्टी उन्हें दिलाई जाएगी। ऐसे में काफी संख्या में अशोक तंवर के समर्थक दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर दिल्ली थे, वो भी दिल्ली लौट चुके हैं और सूत्रों के माने तो हरियाणा में डॉक्टर अशोक तंवर के हाथों में आम आदमी पार्टी की कमान सौंप दी जाएगी। तो डॉक्टर अशोक तंवर को निकट भविष्य में हरियाणा की पूरी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दूसरी ओर आप देख सकते हैं जहां पर तृणमूल कांग्रेस को एक बड़ा झटका जरूर लगा है क्योंकि पार्टी हरियाणा में कांग्रेस के पूर्व नेता अशोक तंवर के सहारे अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान पर आप पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। अशोक तंवर ने 23 नवंबर 2021 को टीएमसी ज्वाइन की थी और इस दौरान टीएमसी छोड़ने के बाद समर्थकों ने सोशल मीडिया के जरिए भी दी है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के काफी करीबियों में भी इनकी गिनती हुआ करती थी। अशोक तंवर को राहुल गांधी ने हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया था, हालांकि टिकट बंटवारे को
पर अशोक तंवर ने पार्टी पर बड़े आरोप भी लगाए थे। तो गोवा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने अशोक तंवर को बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी दी थी, हालांकि वहां पर पार्टी का जो प्रदर्शन था वो काफी निराशाजनक रहा था। अशोक तंवर की बात करें तो हरियाणा में उन्होंने 2009 में सिरसा के सांसद भी रह चुके हैं और बता दें कि एक ओर जहां पर वो तृणमूल कांग्रेस छोड़ रहे हैं तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। दोपहर 2 बजे आम आदमी पार्टी के कार्यालय में दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ वो एक खास प्रेस वार्ता भी करने वाले हैं, ये खबर आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे पूर्व सांसद अशोक, ये भी खबर सामने आई है कि दोपहर 2 बजे आप पार्टी के कार्यालय में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और इसी दौरान वो आम आदमी पार्टी की सदस्यता को भी ग्रहण करेंगे। आपको बता दें कि उन्हें कई बड़ी जिम्मेदारी भी आम आदमी पार्टी की ओर से सौंपी जा सकती है। सूत्रों के माने तो हरियाणा में अशोक तंवर के हाथों में ही आम आदमी पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस को इस तरह एक बड़ा झटका जरूर लगा है। आज आम आदमी पार्टी में होंगे पूर्व सांसद अशोक तंवर, दोपहर 2 बजे आम आदमी पार्टी के कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और इसके अलावा आपको बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता उन्हें दिलाई जाएगी। इसके अलावा हरियाणा में भी उन्हें पूरी और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है अशोक तंवर को निकट भविष्य में। तो कांग्रेस के पूर्व नेता अशोक तंवर आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस छोड़कर वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे। ममता बैनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस को इस तरह से बड़ा झटका लगा है। पार्टी हरियाणा में कांग्रेस के पूर्व नेता अशोक तंवर के सहारे अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही थी और आज वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। तो आपको बता दें कि अशोक तंवर ने जहां 23 नवंबर 2021 को टीएमसी ज्वाइन की थी और उस दौरान जब वो कांग्रेस में थे उनकी गिनती पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के करीबियों में भी होती थी। तो अशोक तंवर जो कि हरियाणा में सिरसा से सांसद रह चुके हैं 2009 में और उसके बाद 2014 और वर्ष 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2019 की अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट वितरण को लेकर भी अशोक तंवर और